नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस का सेकेंड ईयर का एक एक्सपेरिमेंट है, 206 कोड कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एक्सपेरिमेंट है, जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल वो देखेंगे। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक एएम मॉड्यूलेटर किट और एक सीआरओ की आवश्यकता है। ये हमारे पास एक एएम मॉड्यूलेटर किट है और एक हमारे पास है सीआरओ। हम दोनों को यूज़ करके और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर किट पर हम हमारा जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो सिग्नल है उसको जनरेट करेंगे और उसको आउटपुट हम इस सीआरओ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम सीआरओ की सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले सीआरओ पर देखेंगे कि हमारे पास सीआरओ में जो सिग्नल है वो प्रॉपर्ली आउटपुट है वो प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने फंक्शन जनरेटर से आउटपुट लिया और सीआरओ के चैनल फर्स्ट के अंदर हमने इसको दिया। हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 kHz की साइन वेव है और हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास 2 ms की ये है टाइम बेस है और ये हमारे पास 1 kHz का सिग्नल इस पर आउटपुट में आ रहा है, यानी हमारा सीआरओ बिल्कुल ओके है। अब हम इसका कनेक्शन करके और आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सीआरओ पर सबसे पहले एक पैच कोड सीआरओ कोड लगाते हैं और ये इसका ग्राउंड ले लिया। इसके बाद में हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाने के लिए दो सिग्नल्स की ज़रूरत है। एक तो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, वो ऑडियो सिग्नल है। वो ऑडियो सिग्नल इसके अंदर यहाँ से हमने लिया है, ये देखिए ऑडियो सिग्नल, ये यहाँ से हमने इस पर कनेक्ट किया, ये ऑडियो सिग्नल का है। इसका एम्पलीट्यूड हम यहाँ वेरी कर रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड वेरी करने पर हम देख सकते हैं कि ये सीआरओ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एम्पलीट्यूड कम करते हैं तो ये ज़ीरो हो गया, तो ये हमारा जीरो हो गया है। सीआरओ पर भी हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है, ये एक डीसी लाइन शो कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो सीआरओ पर भी हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमने ये 1 kHz का सिग्नल लिया है, 1 kHz का सिग्नल ये हमारा इस पर शो हो रहा है, 1 kHz हमारे पास सीआरओ में हमें मिल रहे हैं। ये हमारा ऑडियो सिग्नल है, मैक्सिमम इसका 1 kHz है, हम कम भी रख सकते हैं ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मैं इसको इन बिटवीन रख देता हूँ। ये हमारा मैसेज सिग्नल हो गया। दूसरा सिग्नल जो सीआरओ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए है वो है हमारा कैरियर ऑसिलेटर आउटपुट, यानी कैरियर सिग्नल। तो ये कैरियर सिग्नल हमारे पास इस किट के अंदर यहाँ अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है इस सिग्नल के साथ इस फ्रिक्वेंसी की हम देखें तो इस हमने कैरियर ऑसिलेशन लिया तो ये कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारे पास यहाँ हमें मिल रहा है। हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा लगभग 1 उसके अंदर यहाँ से लेकर और ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, एक ब्लॉक वन बिट ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। और टाइम बेस है वो हमारा 5 microseconds है, तो इस 5 microseconds का हम जस्ट रिवर्स करें तो ऑलमोस्ट ये मेगाहर्ट्ज़ की उसमें रेंज के अंदर हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है। अगर आप इसको मैं पिक्चर के माध्यम से इमेज के वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊं तो ये तो हमारा कैरियर ऑसिलेटर है, कैरियर का सिग्नल है, उसकी ऑसिलेशंस है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ देखिए ऑडियो पे, तो ये ऑसिलेशन है, मैंने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस सेटिंग पर हमारे पास
इसकी एम्पलीट्यूड कोई भी हमारे पास एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, कोई भी फ्रिक्वेंसी हमारे पास नहीं आ रही है। हमें इसको देखना है, तो मैसेज सिग्नल को देखने के लिए हमें इस टाइम बेस को चेंज करके 2 मिली सेकेंड्स करना पड़ेगा। ये देखिए, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास है। तो ये मैं जो चेंजेस बताना चाह रहा था, ये डिफरेंस बताना चाह रहा था कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास किलोहर्ट्ज़ के रेंज में है, और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास में मेगा के अंदर है, मेगा हर्ट्ज़ के अंदर है। अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट है, इसके अंदर पहला तो हम ऑडियो सिग्नल को इस ऑडियो जनरेटर के इनपुट पर देंगे, फिर कैरियर सिग्नल को कैरियर जनरेटर के इनपुट पर देंगे, और इसका जो आउटपुट है वो मॉड्यूलेटेड आउटपुट इस TP11 करके एक पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट 11, वहाँ हम इसको आउटपुट देखेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें अचीव हो गया है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब इसके अंदर अगर हम इसको देखिए, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें, तो मैं ये कैरियर फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल की वैल्यू को अगर मैं कम करता जाता हूँ, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल ख़त्म हो गया है इसके अंदर, और ये सिर्फ हमारे पास कैरियर सिग्नल ही रहा। और अब जब मैं इस मैसेज सिग्नल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, तो इसमें मॉड्यूलेशन होने लग गया है। मॉड्यूलेशन होते होते ये देखिए, ये मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल का मॉड्यूलेशन हुआ है। तो ये हमारे पास जो सिग्नल आया है, ये आउटपुट में जो सिग्नल होगा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर जो कैरियर होता है, उस कैरियर वेव का जो के एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, इसलिए हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। इस चेंजेस को, ये जो डेप्थ, जो चेंजेस हो रहा है इस मॉड्यूलेशन के अंदर, जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के माध्यम से नापते हैं, और उसे हम म्यू का नाम देते हैं। म्यू इक्वल्स टू VC अपॉन VM, यानी कैरियर के अंदर जितना चेंज होता है, कैरियर वोल्टेज के अंदर जितना, एम्पलीट्यूड के अंदर जितना चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज, वो हम इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स का नाम देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेकंड ईयर का EL 206 का ये सिलेबस का एक पार्ट है। धन्यवाद।